जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गणेश जी की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, दो व्यापारी दो बैलगाड़ियों में अलग अलग सामान लादकर बेचने जा रहे थे। एक की गाड़ी में नमक और खार था तो दूसरे की गाड़ी में मिश्री और मेवा था। दोनों बाजार बेचने के लिए निकले। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था। उधर से वह दोनों निकले तो गणेश जी एक बालक का रूप बनाकर आए और मेवा मिश्री की गाड़ी वाले से पूछा कि तेरी गाड़ी में क्या है, थोड़ा मुझे भी दो। गाड़ी वाले ने कहा, मेरी गाड़ी में नमक और खार है। गणेश जी ने कहा, ठीक है। दूसरी गाड़ी वाले से कहा, तुम्हारी गाड़ी में क्या है? उसने मजाक में कह दिया कि मेरी गाड़ी में मेवा मिश्री है। गणेश जी ने कहा कि जैसी इच्छा वैसी मनसा, थोड़ा मुझे भी दो। गाड़ी वाले ने कहा कि जितना चाहो ले लो। गणेश जी तो गाड़ी में से मेवा मिश्री मिलाकर खाने लगे। गाड़ी वाले ने सोचा कि मेरी गाड़ी में नमक था, यह अखंड खोपरा मेवा मिश्री कैसे खा रहा है। उसने नीचे उतर कर देखा तो पूरी गाड़ी में मेवा मिश्री से भरी हुई थी। उधर दूसरी गाड़ी वाले के जिसमें मेवा मिश्री थी उसमें नमक और खार हो गया। दोनों ही समझ गए कि उस बालक को झूठ बोलने का फल है। दोनों ने उस गणेश रूपी बालक के पास आकर पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उसके गणेश जी ने वापस मेवा मिश्री कर दिए। दोनों ही खुशी खुशी अपने घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस पर प्रसन्न हुए वैसे ही सभी पर प्रसन्न होना। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।